तो मुसलमान को चाहिए कि अपना हर अमल अल्लाह के लिए करे, क्योंकि वो आया ही दुनिया में अल्लाह की इबादत और उसकी मारफत के लिए। सूरह ज़ारियात में अल्लाह ताला ने फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसानों को और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। और लियअबुदून का एक माना, एक तफसीर ये मुफस्सरीन ने की है, लियअबुदून आई लियअरिफून, यानी वो मुझे पहचाने, मुझे जाने। तो इंसान, एक मुसलमान की बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि वो मारफत इलाही हासिल कर ले, अल्लाह की पहचान पा ले। और अल्लाह की पहचान इबादत के बगैर मुमकिन नहीं, और अपने हर अमल को अल्लाह की रजा के लिए करने से इस मंजिल पे बंदा चल पड़ता और फजूलियात से बचता है, बेकार कामों से बचता है। नोट कीजिए तो, सोशल मीडिया के आने के बाद जिस कदर फजूलियात बढ़ गई, हम तसव्वुर नहीं कर सकते थे पहले कि एक बंदा एक इलेक्ट्रॉनिक आले को पकड़ के तीन तीन घंटे, चार चार घंटे, कभी कभी पूरी पूरी रात निकाल देगा और उसे टाइम का पता ही नहीं चलेगा। ये हो रहा है कि नहीं? और इसमें अक्सर फजूल काम हो रहे होते, फजूलियात। लड़के हैं तो रील्स देख रहे हैं, स्टोरीज देख रहे हैं, मैच्योर आदमी है कोई वो न्यूज़ देख रहा है, खबरें देख रहा है। तो खबरों में क्या है? खबरों में आधे से ज़्यादा या अक्सर वो काम है जिनका हमसे कोई ताल्लुक ही नहीं, वो बातें हैं। और कभी कभी बर्बादी से भी बढ़कर, फजूलियात से बढ़कर गुनाहों भरे काम, जहन्नम में ले जाने वाले काम, निगाहें बदनिगाही कर करके गंदी कर रहे हैं। अपना टाइम सिक्योर करें, सेव करें, जो फायदे वाली चीज़ें देखें, फायदे वाली चीज़ें पढ़े, मुताला करें, किताबें पढ़े, स्टडी करें, और इस किस्म की चीज़ों से बचे कि जिससे उसका दुनिया और आखिरत का नुकसान हो। बाज़ औक़ात ये सोशल मीडिया के जेंटलमैन्स अपनी दुनिया भी ख़राब कर लेते हैं, बाज़ औक़ात ऐसी अफवाहें फैला देते और ऐसे ऐसे मसाइल में फंस जाते हैं। जैसे कि अभी एक कलई खुली इसी हफ्ते में, जो कि पिछले तकरीबन एक महीने से ये मसला चल रहा था, दुनिया के इंतहाई पुर अमन कहलाने वाले मुल्क में बड़े फसादात हो रहे थे, यूनाइटेड किंगडम में, यूके में, और इतने शदीद फसादात कि देखने वाला कहे कि ये यूके तो लगता ही नहीं। और मुसलमानों को बाज शहरों में तो यहाँ तक वार्न किया गया कि आप अपने जुमे की नमाज ना पढ़ें, खतरा है कि आप पे हमला ना हो जाए। कई जगहों पर मस्जिदों में नमाजें नहीं हुई, कई जगहों पर मस्जिदें बंद कर दी गई सिक्योरिटी के पेश नज़र, सिक्योरिटी के को मद्देनज़र रखते हुए नमाजें नहीं हुई कि भाई ये हालात है, मुसलमानों पे हमले हो रहे। कहाँ से ये बात शुरू हुई? जब घूम फिर के खुरा ढूंढा गया तो पता चला, किस्सा ये हुआ था कि एक किसी स्कूल में तीन बच्चियों को किसी शख्स ने कत्ल कर दिया। वो कोई था कोई जुनूनी आदमी, वो बच्चियाँ किसी फंक्शन में नाच रही थी, गा रही थी। तो अब ये बात फैलती फैलती, गवर्नमेंट का ये अंदाज होता है वहाँ पर कि अगर मर्डरर 18 साल से कम उम्र है तो नाम नहीं बताते, उसकी आइडेंटिटी शो नहीं करते, क्योंकि वो इस वक्त नाबालिग में लेते हैं उसको 18 से कम। तो ये बात दब गई कि भाई कौन था कातिल, कौन था, इसको दबा दिया गया कानून के मुताबिक। लेकिन जब ये बात दबाई गई तो किसी नादान ने ऐसे ही अफवाह के तौर पर छोड़ी ये बात कि ये कत्ल करने वाला एक मुसलमान था। कौन था? एक मुसलमान। ये बात अफवाह के तौर पर उसने चला दी और इसके बाद पूरे यूके के शिद्दत पसंद खड़े हो गए कि देखो ये मुसलमान है, ये फसादी हैं, ये कातिल हैं, ये हमें रहने नहीं देंगे, जीने नहीं देंगे, इनको निकालो, मुसलमान नहीं चाहिए। अब इतनी शदीद लहर उठी कि गवर्नमेंट घबरा गई। जज ने ऑर्डर दिया कि भाई बताओ ये कौन है कातिल, वरना तो सारे मुसलमान मारे जाएंगे। तो फिर जज की इजाज़त से उस कातिल की आइडेंटिटी शो की गई, पता चला वो तो कोई क्रिश्चियन लड़का था, ईसाई था वो, उसका न पाकिस्तान से ताल्लुक था न इस्लाम से ताल्लुक था। लेकिन इस चक्कर में कितने सौ मुसलमानों के स्टोर्स जल के राख हो चुके, कितने मुसलमान कत्ल किए जा चुके,
और कितनों को मतलब हैरेस किया गया, जख्मी किया गया, और टॉर्चर अलग जो आंखों से होता है, जो बातों से होता है, ये सारी चीजें सिर्फ एक शख्स की वजह से जिसने ये अफवाह फैलाई। अब बताइए कितना बुरा काम किया ये। नतीजतन पूरा मुल्क जो है दुनिया के सामने आ गया कि ये इनका अमन का हाल है, और मुसलमान डर रहे हैं, न्यूज आ रही है, मुसलमान घबराए में जाए तो कहां जाए, हमें तो खौफ है, हमें कोई कहीं भी कुछ भी कर सकता है, मॉब के नाम पर, लिंचिंग के नाम पर। बाद में पता चला मुसलमानों का तो कोई ताल्लुक ही नहीं, कि ये कितनी खतरनाक चीज है ये सोशल मीडिया, कि जिसने पूरी कौम को तकरीबन हिला के रख दिया। और वो बंदा घर में बेडरूम में बैठकर दुनिया के किसी एक मुल्क से एक पूरे मुल्क की चूलों को हिला के रख सकता है, कोई एक इंसान भी। अब बताइए वो कल को खुदा ना खास्ता आप में से, हम में से भी तो कोई हो सकता है, तो किसी बहुत बड़े फसाद का बाइस और बानी बन जाए, क्या आप चाहते हैं कि वो आप हो या आपका बच्चा हो, वो आप बन जाए? नहीं चाहते ना। तो अपने आप को ऐसे कामों में ना पड़ने दीजिए कि जिससे फजूलियात और बेकार की कामों में हम पड़े और इसके आदि हो जाए, इसकी लत लग जाए, और हम कभी खुदा ना खास्ता किसी बहुत बड़े फसाद का बाइस बन जाए। अमीर अहले सुन्नत मेरे पीरो मुर्शिद हजरत अल्लामा मौलाना इलियास कादरी साहब का एक जुमला, आपका एक कॉल, कहते हैं ना बड़ों की बातें भी बड़ी होती हैं, मुझे याद आ रहा है, आप फरमाया करते हैं कि करने के कामों में लग जाओ वरना ना करने के कामों में पड़ जाओगे। ये कितना दो और दो चार वाला जुमला है, कैसी जबरदस्त बात, करने के काम जो है ना उसमें बंदा लग जाए, जो करने के काम है, जो फायदे के काम है, जो एक बावकार मुसलमान को जेब देते हैं, एक डिग्निफाइड मुस्लिम को जचते हैं, वो काम करें ना जिसमें ग्रेस हो, जिसमें वकार हो, जिसमें इज्जत हो, जिसमें नेक नामी हो।